राख से मिल ले धराई है, और राखी भी बांध चुके हैं, मैंने गिफ्ट दे चुका हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है कि बहनें आती हैं और बहनों को भी अच्छा लगता है कि भाई अब उन्हें गिफ्ट्स देते हैं और वादा करते हैं कि आज उनकी रक्षा करेंगे। क्या आज रक्षाबंधन है तो किस आप सेलिब्रेट क्या क्या कहना चाहेंगे? आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन भाई बहन का पवित्र त्यौहार है। पाठ हमारा एक भाई है, हम उसके लिए बाजार से राखी खरीदते हैं और रक्षाबंधन के दिन सुबह जल्दी उठ के नहा धो के भाई के तैयारियां शुरू करते हैं और भाई के घर जाते हैं और पहले तिलक लगाते हैं, बाद में राखी बांधते हैं और उसको मिठाइयाँ खिलाते हैं। क्योंकि ये रक्षाबंधन काफी खास है क्योंकि फिल्म भी रिलीज हुई थी और सुपरस्टार बन चुके, क्या कहना हाँ। चाहेंगे हाँ। आपने भी फिल्म देखी हुई, किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? एक एक्टर बनना हाँ। क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा भाई एक्टर बना तो हमें बहुत खुशी हुई है, अलग ही। ओके आज क्या गिफ्ट दिया आपने रक्षाबंधन के दिन, क्या गिफ्ट दिया आपने अपनी सिस्टर को? मेरी सिस्टर के लिए मैं ड्रेसेस लाया था, थोड़ी बहुत उनको पसंद थी जो ड्रेसेस वो उन्होंने चूज करी थी, तो उस टाइम मैं ले नहीं पाता, लेकिन आज मैंने अपनी मनी से खुद जाकर जो पैसे जमा करे तो उनसे गिफ्ट लेके आया, उन्हें गिफ्ट दिया। ओके बहुत ही खास रहा यह रक्षाबंधन, काफी कुछ अलग रहा यह रक्षाबंधन, कुछ कहना चाहिए पिछले साल के द्वारा? हाँ अलग रहा, क्योंकि दीदी को भी जैसे पिछले साल था कि राखी राखी बांधी, वैसे दीदी को भी और अच्छा फील हो रहा है कि मेरा भाई एक फिल्म में भी आ चुका है और दीदी को थोड़ा प्राउड फील होता है, थोड़ा अलग ही फील आया। लेकिन अभी मैं ये नहीं कह सकता कि इसी ईयर में लॉन्च होंगे, वो तो इस ईयर में आएंगे लॉन्च होंगे, लेकिन फर्स्ट मेरा ये मानना है कि मेरे को मेरी स्टडीज पे भी ध्यान देना है। इफ आई गॉट टाइम, अगर मेरे को टाइम मिलता है तो मैं प्रोजेक्ट्स करूंगा। व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस यू आर गेटिंग फ्रॉम योर स्कूल फ्रेंड्स? अच्छा रिस्पॉन्स है, बाकी फ्रेंड्स बोले कि तेरी फर्स्ट फिल्म थी और लोग तेरे को जान रहे हैं कि अच्छा, बिकॉज फर्स्ट फिल्म मोस्टली होती है लेकिन इतना बड़ी हिट नहीं होती है कि, तो फिर बहुत अच्छा फील होता है। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि फर्स्ट टाइम में इतना, कि लोग पूछते हैं मुझे कि इज योर फ्रेंड एंड दिस। ओके इसके अलावा कोई फिल्म आई है हॉल्ट, हमने सुना है इसके आई है आपको प्रोजेक्ट, क्या कहना चाहिए उसको लेके, किस तरह का किरदार रहा और क्या आप ये करना पसंद करेंगे फिल्म? जी जरूर करना पसंद करूंगा, बिकॉज इट्स लास्ट टाइम एक जॉनरा डिफरेंट था थोड़ा, वी टुका आदिवासी जॉनर में, ये वाली फिल्म को ज़्यादा करने का इसलिए मन है क्योंकि इस जनरेशन के बारे में थोड़ा एक्शन है, रोमांस भी है, तो फिर फर्स्ट फिल्म ऐसी होगी तो अच्छा लगेगा। ओके व्हाट काइंड ऑफ यू आर डूइंग राइट नाउ? नाउ जस्ट यू आर गिविंग अ मच मोर टाइम योर स्टडीज और डूइंग अ जस्ट जॉइनिंग एनी एक्टिंग? मच मोर टाइम टू माय स्टडीज बिकॉज़ शूटिंग की वजह से मेरी थोड़ी स्टडीज पीछे भी रहेगी, तो इस टाइम में थोड़ा मच मोर टाइम दे रहा हूं कि अगर अभी मैं अपना काम पहले कंप्लीट कर लूंगा तो बाकी मैं अपने फिल्म को भी टाइम दे सकता हूं। ओके व्हाट इज योर नेक्स्ट, आर यू रिसेंटली इफ यू वॉच एनी फिल्म दैट यू शुड डू दिस काइंड ऑफ रोल और एनीथिंग रिसेंटली इफ यू वॉच एनी अदर मूवी? यस मेरा यही मन नहीं है कि मैं पुलिस वाले का रोल करूँ, जैसे इन दबंग सलमान खान इज दैट अ रियली फंकी पुलिस वाला एंड अ रियली एक्शन थ्रिलर फिल्म। ओके एनी प्लानिंग फॉर गोइंग फॉर द television, because now that television also much more popular, TV soap. I'm not thinking about television at any cost because I never like to watch serials, so I didn't like think about it. Okay, Raksha Bandhan ke baad chal raha आप कुछ बताना चाहेंगे? पहले तो मैं हॉस्टल में ही था, मेरे हॉस्टल में थे मैं और मेरे भाई थे, हम हॉस्टल में थे, तो फिर हॉलीडेज तो नहीं होती थी लेकिन फिर दीदी वगैरह हॉस्टल आते थे मिलने हमसे, तो बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद भी मिलते थे, कई बार बहुत मंथ्स बाद मिलते थे, तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन अब तो साथ में रहते दिनों से तो और अच्छा फील होता है। दीदी आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? पहली बार आई। ओके कुछ कहना चाहेंगे? दीदी पैसे वैसे मिले हैं रक्षाबंधन पे? कितने मिले हैं? ज्यादा दिए भाई ने। भाई कंजूस होते हैं ना? भाई कंजूस नहीं है वो। ओके एक्टिंग की किस तरह की तैयारी चल रही है? लोगों ने आपको कई सारे फीडबैक दे रहे हैं आपको फिल्म के द्वारा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उस क्रिटिसिज्म को कैसे आपने लिया? मतलब कई लोग लेते हैं बहुत परेशान है, हमको किसी ने ऐसा कह दिया तो उस क्रिटिसिज्म को आप कैसे ले रहे? लोगों ने काफी तारीफ भी की लेकिन क्रिटिसिज्म भी बहुत जरूरी है, तो उसको कैसे ले रहे आप? उसको मैं सोच रहा हूँ थिएटर्स करने के,
कि थिएटर्स प्रैक्टिस करूँ. मैं जून में करने वाला था थिएटर्स प्रैक्टिस बिकॉज रोशन तनेजा, बट मेरे स्कूल में मैंने बात की मेरे एग्जाम्स नहीं हुए. बट मैंने तब भी मैं कई बार मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बहुत कोशिश करते हो, आते में हेल्प करते हो, बोलते हैं ऐसे एक्सप्रेशन लो, दे टेक माई वीडियोज टाइप ऑफ थिंग इज हर हर तरह फनी मोमेंट. एक ही डायलॉग है अगर वो फनी है फिर उससे थोड़ा सैड मोमेंट में इस टाइप. सिंगिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है. मैंने स्कूल में भी बहुत बार सोचा करने के लिए, सब मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाते थे. मैंने बोला था अपने फ्रेंड से कि यार मैं सोच रहा हूँ मैं सिंगिंग में करूँ, बट दैट टाइम तू भूल जा तेरे जल्दी से आपके सामने. ओके, पाथ किस तरह से मैनेज करता है स्कूल और एक्टिंग का जो करियर है, दोनों किस तरह से मैनेज कर रहा है, थोड़ा सा कुछ बताना चाहेगा? देखिए, कोई भी सक्सेस पाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और पार्थ कोशिश करता है कि जो जिम्मेदारी उसको दी जाती है वो अच्छे तरीके से निभाए. ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोनों फील्ड को, अगर उसको साथ साथ लेके चलना है, चाहे पढ़ाई हो चाहे आपका एक्टिंग हो, तो दोनों में विशेष मेहनत की जरूरत है, तो वो करता है उसको. एक प्रोड्यूसर के नाते कैसा रहा जर्नी आपका, और अभी आप दूसरी फिल्म भी आप साइन कर बनाने जा रहे हैं, तो कैसा रहा प्रोड्यूसर के नाते एक जर्नी? मुझे प्रोड्यूसर के नाते पूछें तो बहुत सारी चीज़ें इसको इसमें सीखने को मिली हैं, और लाइफ है कि इसमें सीखते ही रहते हैं, आपको सीखना ही चाहिए. तो बहुत अच्छा एक दो साल का मेरा सफ़र रहा, कई सारी चीज़ों की हमें जो जानकारी नहीं थी कि दुनिया कैसी है, तो वो सारा देखने को मिला, एंजॉय किया है. ओके, जिस तरह से आगे क्या है, मतलब अभी एक फिल्म है, इसके अलावा क्या आप, जिस तरह से आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो क्या इस पर भी आप इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, कि जिस तरह से बिजनेस शुरू हो, क्या आपकी नज़र है कि बिजनेस? डेफिनेटली इंसान जो है काम करता है कि उसको जो पैसे मिले और उसका एक समाज के अंदर सम्मान के साथ में एक नाम लिया जाए, तो हमारी वही कोशिश है कि हम पैसे के लिए विशेष तौर से काम नहीं करेंगे, एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के हम फिल्मी दुनिया को दें. आपकी सफलता का राज क्या है? मेरी सफलता का राज है मेरी बीबी, मेरी वाइफ, वो मेरे हर समय साथ में रहती है, हर समय मुझे सपोर्ट करती है. सारी जो जैसे कि आमतौर पर इंसान के कोई ना कोई समस्याएं रहती हैं, तो वो कभी भी मुझे मेरा विश्वास कम नहीं होने देती, वो हमेशा मेरा साहस बढ़ाती है. सर, केरला में जो बाढ़ आया तो उसको किस नज़र से देखते और उसके लिए क्या हेल्प? ये तो प्रकृति की एक मार है हमारे ऊपर, और पूरा जो भारतवर्ष है आज दिल से दुखी है, तो हम प्रार्थना करते हैं कि वो उनको ईश्वर जो है एक शक्ति प्रदान करे केरल वालों के लिए, और उनको ज़्यादातर जिस जो भी जिस तरीका से मदद उनको कर सकते हैं तो संभवत है उनको मदद पहुँचे. ओके, इसके अलावा लास्ट सवाल, क्या संदेश देना चाहिए युवाओं को? आप एक बिजनेसमैन हैं, तो उनके लिए कुछ टिप्स देना चाहिए आपकी तरफ से? टिप्स एक ही रहता है इंसान में, अगर लाइफ में आपको सक्सेस प्राप्त करना है तो कड़ी मेहनत करें, चाहे कोई भी आपका फील्ड है, चाहे एक्टिंग है, चाहे बिजनेस है, या जिस फील्ड को आप चूज कर रहे हैं उसमें आप कड़ी से कड़ी मेहनत के साथ करके जाएं.